सर वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज ओम प्रकाश आर्ट और आप सभी लोग देख रहे हो ओम प्रकाश आर्ट। सो गाइस सर आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बनाएंगे लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा जी को। सो गाइस सर इस वाले पेंटिंग को हम लोग करेंगे इस वाले होममेड कैनवास के ऊपर। सो गाइस ये एक होममेड कैनवास है और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो गाइस मेरे इस वाले वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना कि प्लीज इसका वीडियो चाहिए। सो मैं इसका भी ट्यूटोरियल एक एक्स्ट्रा बनाऊंगा कि होममेड कैनवास कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस सर इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ गाइस सर हर बार की तरह मेरे इस वाले वीडियो में भी गाइस दो टो पार्ट डिवाइड होने वाले हैं। ये है गाइस आउटलाइन वाला ट्यूटोरियल, इसके बाद आएगा गाइस पेंटिंग वाला ट्यूटोरियल जिसमें हम लोग इस वाले पेंटिंग को गाइस कलर करेंगे। तो चलिए गाइस मैं आप सब लोगों को मिलता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद।
सो गाइस सर, वीडियो कैसा लगा है? होप कि गाइस सर आप सब लोग को हमेशा की तरह मेरा ये भी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ओम प्रकाश आर्ट को, और पास में जो बेल आइकन है गाइस उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट करना मत भूलिए गाइस, ताकि मेरा ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वाला ट्यूटोरियल आप सब लोग के पास जल्द से जल्द आ सके। तो गाइस सर यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये कैनवास बोर्ड के ऊपर ये आउटलाइन हो चुका है कम्प्लीट, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। गाइस वीडियो में थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो क्योंकि मैंने कैनवास के ऊपर भी गाइस व्हाइट कलर थोड़ा लाइट ही लगाया है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है। सो ये जब हम लोग गाइस कलरिंग वाले ट्यूटोरियल में आपको पता चल जाएगा गाइस कि कैसे होकर ये कलर हम लोग करेंगे। सो अभी के लिए तो गाइस बस इतना ही, और गाइस अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए इस वाले होममेड कैनवास का तो प्लीज गाइस यार इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका भी ट्यूटोरियल ला के आपको दूंगा। तो गाइस यार अभी तक के लिए गाइस इतना ही, मिलूंगा इसके नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में, पेंटिंग वाले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।